Hello my dear students, welcome again in my YouTube channel of Biology Concepts. In this video tutorial, I am going to tell you about double circulation. आप सभी को पता होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो डबल सर्कुलेशन टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो डबल का मतलब मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को पता होगा टू टाइम्स। जब कभी भी ब्लड फ्लो कर रहा हो टू डिफरेंट सिस्टम से, लाइक हार्ट से लंग्स तक जाना और दूसरा पॉइंट हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक आना, मींस हियर ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू टू सिस्टम। यू कैन राइट दिस पॉइंट, ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू टू सिस्टम्स। वन इज फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड वन फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं कि लंग्स के लिए एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया है। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको एक क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया है, लंग्स को अलग से रखा गया है। तो जब भी ब्लड हार्ट से लंग्स में फ्लो करेगा, इस टाइप ऑफ सर्कुलेशन को हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब ही स्टूडेंट्स होता है विच इज अ वर्ड विच इज स्पेसिफिकली यूज फॉर लंग्स ओनली। ओके, सो पल्मोनरी इज रिफरिंग फॉर लंग्स एंड व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम हार्ट टू बॉडी इट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू स्टूडेंट्स कि इन वन सर्कुलेशन ब्लड लीव्स हार्ट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल गोज टू लंग्स। आपको मैं बता दूं कि ब्लड जो है वो हार्ट को लीव करके राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है। हार्ट का कौन सा पार्ट राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जा रहे हैं, लंग्स में जा रहे हैं और रिटर्न होके आ रहे हैं लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल से शुरू कर रहे हैं और आ कहाँ पे रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम। दूसरा जो सर्कुलेशन है स्टूडेंट्स, आप बोल सकते हैं कि जो ब्लड है वो हार्ट को लीव कर रहा है कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाला स्टेप राइट वेंट्रिकल के लिए था, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है और पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करते हुए रिटर्न बैक आ रहा है राइट एट्रियम। तो आपको याद रखना है ऊपर कहानी शुरू हो रही है राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की ओर। आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर हियर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। So you can say in pulmonary circulation what happens, blood will flow from right ventricle to the lungs and will come back to the left auricle. This is the pathway for pulmonary circulation. And what about systemic? Blood will flow from heart from left ventricle to whole body and then again it will come back to right atrium. This is the process of double circulation. And double term is clear to all of you two times. So I think this topic is clear to you and this topic is very important for your board examinations. So I hope students you like this video and this video will be very much helpful for you. If you like this video, please hit the like button and share your this video with your friends. I hope students we will meet soon. Thank you.